हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अलका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलका जांगिड। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो है वो सावन स्पेशल होने वाला है। जैसे कि आप सब जानते हैं, सावन स्टार्ट हो चुका है और सावन में जो ग्रीन कलर है वो फेवरेट होता है। एंड सब हर कोई ग्रीन बैंगल्स एंड ग्रीन आउटफिट पहनना पसंद करता है, क्योंकि वो काफ़ी शुभ माना जाता है। तो मैंने भी सावन स्पेशल में ये आउटफिट वेयर किया हुआ है एंड इसका जो पैटर्न है मैं जल्दी ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसको मैंने स्टिच कराया हुआ है, बहुत सिंपल और सेम टाइम बहुत ज़्यादा एलिगेंट है ये। एंड आज इसी आउटफिट के साथ मैंने ये मेकअप लुक क्रिएट किया है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड बेल बटन को हिट करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए स्टार्ट करते हैं ये सावन स्पेशल मेकअप लुक। गाइज, आप देख सकते हो कि कितना ब्यूटीफुल मेकअप लग रहा है। अगर आप भी इन सावन या तीज पे ग्रीन आउटफिट पहनने वाले हैं और इस तरीके से मेकअप करना चाहते हैं, सिंपल और एलिगेंट भी हो, तो वीडियो पूरा देखिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, फेस वॉश कर लिया है, फिर हमने टोनर की जगह लगा रहे हैं रोज़ वाटर। आपके पास टोनर हो तो आप उसको भी अप्लाई कर सकते हैं, वरना आप रोज़ वाटर भी ले सकते हैं, वो भी सेम ही काम करता है, ठीक है। फिर हम क्या कर रहे हैं, हम अरोमा मैजिक की विटामिन सी, ये ब्लॉसम कोचर की है जेल, ये लगा रहे हैं। फिर हम अपने लिप्स को हाइड्रेट करेंगे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम लगाने वाले हैं ब्लू हेवन की लिप बाम, बहुत अफोर्डेबल, बहुत बेस्ट वाला लिप बाम है। फिर हम लगा रहे हैं प्राइमर, तो प्राइमर के बाद हम लगा रहे हैं ये प्रो कंसीलर है। एक्चुअली आज मैं कोई भी फाउंडेशन वगैरह नहीं लगा रही हूँ, बस कंसीलर से ही यूज़ करूँगी। आप देख सकते हो कंसीलर अच्छे से लगा के, और मैं अपनी फिंगर की हेल्प से ही इसको ब्लेंड कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो ब्यूटी ब्लेंडर भी ले सकते हैं या फिर ब्रश भी ले सकते हैं, जिस भी प्रोसेस में आप कंफर्टेबल हैं आप उस प्रोसेस को फॉलो करें, ठीक है। तो अच्छे से लगा के ब्लेंड कर लेना, और इजीली ब्लेंड हो रहा है। और आज मैं अपने पूरे जो हमने कंसीलर लगाया उसको सेट कर रही हूँ। ये वाइट टोन फेस पाउडर है, वन ऑफ द बेस्ट फेस पाउडर है यार, इतना अच्छा कवरेज देता है, स्वेट प्रूफ हो जाता है। अब स्टार्ट करेंगे आई मेकअप। जो दो शेड हमने आपको ग्रीन दिखाए हैं, वही उन्हीं से ही हम अपना आई मेकअप करने वाले हैं। जो इनर कॉर्नर की जो लिड है वहाँ पे हम ये लाइट पैरेट ग्रीन सा कलर लगाएंगे, और ये शिमरी शेड है दोनों, ठीक है। और जो हमारा आउटर वी है वहाँ पे ये डार्क ग्रीन से हम आउटर वी बनाएंगे डार्क। आप लाइट एंड डार्क अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, बहुत इजी है मेकअप करना आई मेकअप ये वाला। और अपनी क्रीज को हम अच्छे से क्लीन डिफाइन लुक देने के लिए हम क्या कर रहे हैं, जो ये ब्राउनिश शेड मैंने आपको दिखाया है ना, उस पे आप इसको अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। इतना इजी मेकअप है, ओनली 3 शेड से हमने इतना ब्यूटीफुल आई मेकअप कर लिया है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अपनी कॉन्टोरिंग कर लेंगे। कॉन्टोरिंग बहुत ज़रूरी है फेस को, जो हमारा फेस का स्ट्रक्चर है उसे बहुत अच्छे से डिफाइन करता है कॉन्टोरिंग, ठीक है। आप अच्छे से कर लेना, और उसको ब्यूटी ब्लेंडर से या ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लेंगे। ब्लश मैंने इस पैलेट से लिया है, रिवर्सर पैलेट है, और उसको अपने हैंड पे जो है वो डैप कर लिया, ताकि एक्सिस जो है वो निकल जाए, ठीक है। और ब्रश की हेल्प से लगा रही हूँ, आप देख सकते हो इसी तरीके से लगाएंगे, आपका ब्लश भी बहुत अच्छे से ग्लो करेगा और बहुत अच्छे से ब्लेंड होगा, बिल्कुल भी ओवर नहीं लगेगा। फिर हम हाइलाइटिंग कर रहे हैं, हल्का सा हाइलाइटिंग तो चाहिए यार फेस्टिवल पे, है ना। तो अच्छे से हाइलाइट कर लेंगे, और अब मैं फिंगर की हेल्प से लगा रही हूँ। आप चाहे तो ब्रश भी यूज़ कर सकते हो, मैं हमेशा कहती हूँ जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल हो ना, आप उस चीज़ को किया करो अपने उससे, ठीक है। और कोई ऐसा नहीं है कि ब्रश से लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, फिंगर की हेल्प से नहीं लगा। आप देख सकते हो मैंने फिंगर से लगा रही हूँ और अच्छे से ब्लेंड हो रहा है, ठीक है। और अब आज मैंने क्या किया है, मैं ये एक दो दिन मैंने ट्राई किया है एक दो बार, तो ये मुझे अच्छा लगा है ट्रिक। मैंने नोज़ की कॉन्टोरिंग आपने देखा होगा नहीं की थी, तो मैंने क्या किया, हल्का सा ब्लश लगाया था नोज़ पे और हाईलाइट कर लिया था, उसके बाद मैं अपनी नोज़ की कॉन्टोरिंग कर रही हूँ। ऐसा करने से ना काफ़ी अच्छे से कॉन्टोरिंग हो रही है, आप देख सकते हो नोज़ की कॉन्टोरिंग कितनी अच्छे से लग रही है। अब हम आई मेकअप को कम्प्लीट करने के लिए क्या कर रहे हैं, जो हमारा आउटर वीक आउटर नीचे का हिस्सा होता है ना आई का, तो आधे पे हम डार्क ग्रीन कलर लगा रहे हैं, और जो इनर कॉर्नर की साइड वाला हिस्सा है हमारी आईज का, तो हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं, लाइट ग्रीन लगाया। इससे हमारा जो आई मेकअप है ना काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है, आप करके देखिएगा। और लाइनर ड्रॉ कर रहे हैं, विंग ड्रॉ करना है, सिंपल ड्रॉ करना है,
अपने अकॉर्डिंग आप ड्रॉ कर सकते हो, जो भी आपके फेस पे अच्छा लगे, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं आप उस तरीके का लाइनर लगा लीजिए, काजल लगा लो। और ये बहुत क्विकली और बहुत लाइट वेट मेकअप होने वाला है। बहुत ज़्यादा तामझाम हमने बेस नहीं लगाया, सिर्फ कंसीलर से हमारा पूरा जो मेकअप है वो टिका रहेगा। आप देखिएगा बहुत ब्यूटीफुल लुक आएगा। और आप तीज पे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो मेकअप। और यस, मैंने इयररिंग्स पहन ली और मैंने ये न्यूड कलर की NYB की लिपस्टिक लगाई है, आप देख सकते हो, और बिंदी लगाई है, और ये ऑक्सीडाइज ज्वेलरी पहन ली है, और ऑफकोर्स ग्रीन बैंगल्स तो मस्ट हैं, सावन में बहुत शुभ मानी जाती हैं, मैंने इनको पहन लिया है। और आप देख सकते हो आई मेकअप कितना गॉर्जियस लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और यस, मैंने ये जो ऑक्सीडाइज ज्वेलरी में होते हैं ना नोज पिन, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, आई थिंक नोज पिन ही बोलते हैं, एंड ये मैंने वेयर कर लिया और बहुत सुंदर लग रहा था, बिल्कुल सिंपल सोबर सा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो।